आप पहना दीजिए। Talking of love from the poor people trust headed by Lijim, Miss Lijim and party, token of love दे रहा है मैडम जी को, जो डाक तालिया। और नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर आइए, आपको मापला दिया है टोकन ऑफ लॉ कमेंट टू विन, आप आ जाइए एक एक करके आ जाइए। हाँ हाँ आ जाइए और मेंबर लोग आ जाइए, आप लोग के लिए भी कोटा रखा है, आ जाइए वाइस प्रेसिडेंट साहब आ जाइए। मैं कुछ भी बोलने से पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, थोड़ा सामने आइए, बीच में कुर्सी खाली है, प्लीज बैठ जाइए, क्योंकि एक दूसरे का चेहरा देख के आंख से आंख मिला के बात करने का मजा ही कुछ और होता है ना। पीछे बैठने से मैं बात कर रही हूँ, इस तरफ खाली कुर्सी को देख के आप लोग मेरा कोगा को देख के सुनेगा, टेस्टी नहीं लगेगा, आगे आइए। और काइंडली आप लोग जो कलवत का ऊपर है आप लोग भी थोड़ा आइए, हम लोग इतना दूर से राजधानी से अभी पहुंचा है, तो कम से कम सुनने दिल नहीं होने से भी थोड़ा सुन लीजिए प्लीज, मोस्ट वेलकम। हाँ धूप है, बहुत चिलचिलाती गर्मी है, धूप है, मुझे समझ में आ रहा है, काफी देर से मैं महसूस कर रही हूँ आप लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही है, फिर भी इस बात के लिए मैं भारी मन से बहुत खेद प्रकट करते हुए आप सबसे गुजारिश है, थोड़ा सा और सही, जब इतना देर आप लोगों ने सह लिया तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनी कम शब्दों में अपनी बातों को आपके सामने स्पष्ट रूप से रख सकूं, मैं ज्यादा आप लोगों को और परेशान करना नहीं चाहती हूं। तो सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, जिस पुरजोर एनर्जी और जिस ताकत के साथ में आप लोगों ने जिस प्यार और मोहब्बत के साथ में हम सबका स्वागत सत्कार किया, ये महा ऐतिहासिक स्वागत सत्कार था, चाहे चार लोगों ने मिलके किया या 400 लोगों ने मिलके किया या 4000 लोगों ने मिलके किया, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उस स्वागत करने वालों की दिल की जज्बात से कि वो कितनी शिद्दत से हमारी स्वागत कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का अपनापन कि आज भी हमारे इस माता अरुणाचल में, हमारे अन्य अरुणाचल धरती में आप जैसे पवित्र दीदी, आप जैसे पवित्र बहन, आप जैसे माता पिता, आप जैसे भाई, आप जैसे भैया चाहने वाले बहुत ज्यादा है, जो समझते हैं कि एक मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद एक एक्टिविस्ट की जिंदगी की कैसे होती होगी और किस स्थिति से वो गुजर के आए होंगे, इन सब चीजों को आप सब भले बातें समझते हो, इसलिए हम सब का अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का आपने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरा अपना फैमिली, मेरा लविंग सिस्टर्स, सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है, सब लोग ड्रेस कोड में आया है, समझ में नहीं आ रहा है कौन जवान है कौन बुरी है, सब मुझसे छोटी दिख रही है, सारे आता लोग, मैं आप सबसे बुरी लग रही हूँ, थैंक यू सो मच। और मेरा आता और मेरा बहन दोनों ने आज रिकॉर्ड तोड़, कौन अभी पूछ रहा था लेडी ड्राइवर डिपार्टमेंट में होता है कि नहीं, डिपार्टमेंट का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज मेरा दोनों सिस्टर्स को महिंद्रा पिकअप बोलेरो चला के हमको यहाँ तक पहुँचाते हुए देखा है, थैंक यू सो मच। सफर कहाँ से शुरू हुआ था आप सबको मालूम है, और सफर आज यहाँ पर आके समापन होने वाली है, बीच की सारी चीजें आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सारी घटनाओं का ब्यौरा आप लोगों को पूरा पता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से बताओ, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का जब फॉर्मेशन हुआ था तब मैं वहां पर कहीं भी नहीं थी, मुझे मालूम भी नहीं हुआ था कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन नाम का कोई संगठन फॉर्म हुआ है, और वो लोग यहाँ इसी आईजी पार्क इसी टेनिस कोर्ट में 28 दिन धरने पर बैठे थे, मैं एक दिन भी उनसे मिलने यहाँ नहीं आई क्योंकि मैं भी इधर उधर अपनी कामों में बिजी थी, करप्शन का पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग डेट्स निकालने के लिए मैं दौर भाग पिछले साल से कर रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ नहीं आई थी, और मैं कभी भी सपना में भी नहीं सोचा था
पापा तो को शीतल एक दिन इस टीम का हिस्सा बनेगा बोल के। तो जब ये लोग यहाँ से पदयात्रा करके निकले थे तो तीन दिन के बाद में फोर्थ डेज में मैंने महसूस किया कि अरे ये बच्चा लोग सचमुच में जा रहे तो पैदल ना, इतना गर्मी में गर्म दिन में सचमुच में पैदल जा रहे तो हम भी तो करप्शन हमेशा हम तो करप्शन का अगेंस्ट में ये आईजी पार्क में कितना बार हम गला फार चुका है रैली कर करके। आकाशदीप से रैली करके आता है, वहाँ आरके मिशन से रैली करके आता है, कभी यहाँ से रैली शुरू करके उधर सिद्धार्था हॉल जाता है, इतना रैली कर चुका है हर सरकार में, चाहे वो कांग्रेस का सरकार रहा हो, चाहे पीपीए का सरकार रहा हो, चाहे आज बीजेपी का सरकार है, इससे मुझे मतलब नहीं है। सरकार चाहे किसी भी का हो, लेकिन जब जब करप्शन हुआ है तब तब तोको शीतल हमेशा रास्ता में निकला है। चाहे मेरा आवाज किसी को पसंद आए नहीं आए, हम हमेशा निडर होकर के बेबाकी के साथ में हम बोला है। हम औरत जरूर है लेकिन इस औरत वाली शरीर के अंदर व्यक्ति नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है, तो हम सोचे चलो जाके थोड़ा सा हॉस्पिटल का भी अगर कुछ ये लोग इंजूर होता है रास्ता में थोड़ा सा हम देखभाल कर देगा बोल के ये लोग का पीछे हम गया था। लेकिन जब हम मैदान में उतरा ये लोग इतना चलती रही, बाद में ये लोग चलते चलते शायद इनका रफ्तार थोड़ा धीमी पड़ गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा इन लोगों को ज्यादा झांसी की रानी बनने के चक्कर में मैं इतना ज्यादा स्पीड से चल के इन लोगों को ले गया सांस फुला फुला के, बाद में मैं खुद ही वहां बीमार हो गई, उठने भी नहीं सका, यहाँ बेंदीज पाव भी हिलाने नहीं सकता है, हालत खराब। तो ये भाई तुबिन भाई मुझे निकल जाओ उधर जाके रेस करो, ट्रीटमेंट करते रहो, हम लोग ताकत है जबन लड़का है। तो उसमें ये जो टीम जो बचा हुआ है मेरा साथ में, ये भाई और ये लोग ना कहा है फाइनेंस, ये लोग नंगरम ताजिक उगलो ऐसा करके वेट किया फिर सार नहीं पहुंचा होते होते रात को 12:30 बजे ये भाई जो मेरा होटल एक तो रूम लेके सोया था, मैं दरपचा को तोड़ देगा जैसा मारा ये। हम अरे क्या हुआ है बोल के हम भी दो, तो हम बोले हम अभी इतना रात को विड्रो कर दिया तो हम दोनों क्या करेगा होगा, सुबह उठ के बात करेगा, सोने जाओ बोले ना, हम भी दवाई खाया हुआ है नींद में, सोने दो बोले ओम। तो हम लोग क्या करता उस सिचुएशन में, तब हम लोगों ने सबने मिलके डिसीजन लिया, नहीं प्रेसिडेंट साहब क्या मजबूरी में विड्रॉ किया होगा मालूम नहीं, हम लोग प्रेसिडेंट साहब को टेलीफोन लगाया, उसका टेलीफोन स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल जो नहीं लगता है कंफर्म करेगा सोच के ना। तो प्रेसिडेंट साहब विड्रॉ कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो इतना तक आने का बाद हम लोग यहाँ तक आते आते हम लोग का हेल्थ इतना हैजार्डस हो गया, हेल्थ इतना खराब हो गया, कैसे हम लोग वापस जाएगा, वापस तो जाने का सवाल ही नहीं है, चलो मरने से मरेगा जीने से जिएगा, हम लोग आगे जाते रहे। एंड बहुत इंटरेस्टिंग, हम लोग जो मेडिकल टीम आगे जाने वाला का पास एक बैनर नहीं, एक पोस्टर नहीं, एक तो कागज भी नहीं, सिर्फ खाली बदन। तो हम लोगों ने सिलीगुड़ी में पहुंच करके वहां में हम लोगों ने वहां का टीएमसी का सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का तृणमूल कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बहुत हेल्पफुल रहा हम लोग के लिए, हम लोग को एक धर्मशाला टाइप का ना घर एक भी अरेंज कर दिया, उसका बाद में हम लोग मेडिकल डॉक्टर भी वहाँ बुला दिया जो जो दुख तकलीफ को पूरा मदद किया, और हम लोग को जंदा भी वो सार अपना तरफ से प्रोवाइड किया है, बैनर भी वो बना दिया, हम लोग का पोस्टर उस्तर भी वो बना दिया। उसका बाद वहाँ से हम लोग पूरा ठीक होने का बाद में चलो अभी तो और पीछे मुड़ने का जगह नहीं है, हम लोग जाना ही है बोल के जाते गया। और यहाँ से ईटानगर से हमारा लीगल एडवाइजर टीम मेरा भाई रेकेन हिंगो लुक है, भाई ईदिक लंबी लुक है, वो लोग हम लोग का लीगल एडवाइजर लोग हम लोग को व्हाट्सएप के जरिए हम लोग का मांग को चार्टर ऑफ डिमांड को क्या क्या को भेजता रहा, सप्लाई करता रहा। तो हम लोग वहां से प्रिंट आउट निकाल के ऐसा करके हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट जो प्रेसिडेंट साहब का पास में था ना, सब कुछ तो उसका पास में था, हम लोग तो बीमारी वाला लोग था। तो ऐसा होके हम लोग बीच रास्ता में भाई तुबिन को, उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट था उसका लीडरशिप में, तहार भाई का लीडरशिप में ये वाइस प्रेसिडेंट था, इसलिए हम लोग इसको
इमीडिएटली इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया और हमारा नंगरम ताजिक भाई को वाइस प्रेसिडेंट बनाया और जाबोंग अमले साहब तो एज इट इज, जीएस भी एज इट इज, कन्वेनर भी एज इट इज, इन लोगों ने थोड़ा सा एक अमेंडमेंट किया, मुझे चेयरपर्सन बनाया इन लोगों ने, भाई लोगों ने मिलकर मुझे बोला आनी आप चेयरपर्सन बनिए, हम लोग को हमको कुछ भी नहीं देने से भी हो जाएगा ना, साथ में चलते रहेगा ना, नहीं नहीं आनी नोंगलू माँ जैसा है, अने जैसा है, आप चेयरपर्सन बनने से हम लोग के लिए अच्छा लगेगा ना बोल के शूटिंग करके निकल रहा चल रहा है, उस औरत को अटैक करने के लिए पूरा नेकटाई सूट पहन के कला चश्मा एक एक करके निकलता रहा और हर एक को मैंने पलट कर मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं कुछ सोचती हूँ तो कोशिश कर, क्योंकि मैं कहीं पर भी गलत नहीं थी, ना तब गलत था ना आज गलत है और ना जिंदगी में फ्यूचर में भी गलत नहीं करूंगी। मेरे ऊपर वाला यीशु मसीह से मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि मेरे हाथों से कभी कोई चीज गलत होने मत देना, मेरे मुंह से कभी कोई गलत शब्द निकलने मत देना। तो ऐसा करके जब हर एक साम दाम दंड बेड काम नहीं आया तो इतना नीचा दर्जा तक भी गिर गया ये सरकार, बाजार से कुछ कुछ चीजों को उठा करके बाजारू अब्बा बना करके मेरे अगेंस्ट में एफआईआर भी लॉज किया गया, उसके बाद मुझे समन भी इशू करवाया, उसके बाद में उसमें भी दिल नहीं भरा तो वहाँ लखनऊ में यूपी में एक बेचारा भोला वाला नामुक दाढ़ी बुकने वाला बच्चा को हायर करके हमारा बीच में हमको अटैक करने के लिए भेजा, हमको रेसिस्ट करने दिया, हमारा जंदा क्यों पकड़ता है बोलने दिया, हमारा लड़का लोग तो सब उस समय में भी बेचारा लोग गुस्सा था, हम सबको रिक्वेस्ट किया है मेरा बच्चा लोग कोई तुम लोग हरकत नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांति से बैठो, लेट मी हैंडल इट, हमको देखने दो, हम अपना से तरीका से अच्छा से बात करेगा बोल के हम उसको वाइजफुली मैच्योरिटी के साथ में ऐसा बोल के हम अच्छा से वो भाई को भी रिक्वेस्ट किया। लेकिन आज सबसे पहले सबको मैं बारी बारी के से थैंक्स दूंगी, बोलते बोलते सबसे पहला थैंक्स तो अखिलेश प्रताप सिंह को जा देता है। वो बच्चा कितना रुपया सरकार से लिया होगा मालूम नहीं, पैसा पहुंच करके वहां जंतर मंतर में तीन टेनिस कोर्ट में क्या होता है, हम लोग डीसी ऑफिस से परमिशन निकालता है, परमिशन निकालने के बाद हम लोग यहाँ 10 दिन 15 दिन 12 दिन, अभी आप जो कॉम्पेंसेशन ग्राउंड का मेरा भाई आप बता रहे आप 12 दिन से बेच रहे बोले, ऐसे हम लोग का यहाँ, हम लोग तो सोचा था ऐसे डीपीओ दुनिया भर, वहां से एनओसी, यहाँ से एनओसी, वहां से एनओसी, एनओसी लेने के लिए कमर तोड़ दौड़ते रहना पड़ता है, पूरा एनओसी लेने के बाद फिर जाके आप फीस जमा करो डिपॉजिट करो, उसका बाद में वो ये का एमसीडी का फीस अलग से, पुलिस डिपार्टमेंट का अलग से, ऐसे कर करके एक दिन में एक दिन का मिलता है, उसका बाद में कंटिन्यूज नहीं मिलता है, तो गैप 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 करके तो हम लोग ना डरना कर रहे जैसा भी नहीं लग रहा था ना, सेटिस्फाई नहीं होता है ना मेंटल में ना डरना अरे को नहीं तो डायरेक्ट कंटिन्यूस बैठना है, तो कंटिन्यूस बैठ के कंटिन्यूस चिल्ला, फिर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट रूलिंग है बोलता है, गाइडलाइन है बोलता है, पहले में डरना तो वहां में इंडिपेंडेंट होता था ना, तो आदमी तीन तीन साल चार चार साल भी जंतर मंतर में तंबू बांध के घर बना के बैठता था बोला है, तो वो चीज को मैंने वो लोग अवॉइड करने के लिए अभी ऐसा लेटेस्ट रूलिंग बनाया कि एक दिन एक करना बेटा, इतना चिल्लाया, कभी रो के बात किया, कभी मोदी जी को हम लोग का रिश्तेदारी भी याद दिला दिया, अरे मोदी नमो ये मैं जीतू न कही, अरुणाचल का लड़की को रुक्मणी को नो, गुजरात का लड़का श्री कृष्ण ले गया है, हम लोग रिश्तेदार भी है बोला है तो भी सुनता नहीं है, ऐसा करके इतना चिल्ला के रो के बोलने का बावजूद बोल बोल के तक गया, तो मेमोरेंडम को ले लेके ऑफिस में पहुंचाया, उसका बात भी नहीं सुनता है, तो कर कर के बाद में हम लोग सोचे जंतर मंतर जो थोड़ा लो लेवल का है ना, थोड़ा हाई लेवल में रामलीला मैदान में जाएगा बोल के ना, रामलीला मैदान में जाने से शायद मोदी लोग भी थोड़ा हिलेगा होगा, डरेगा होगा, सुनेगा होगा, सोचा है ना, अया रामलीला मैदान है अहम टुकड़ो कम, वहाँ में 2,60,000 आदमी का एकोमोडेशन वाला ग्राउंड है और वहाँ हम लोग जो चीती का जैसे हो गए तो हम लोग चीती जैसे होके वहाँ बैठ के फिर भी इतना चिल्लाया हम लोग ना, वहाँ का परेशान होके वो डिस्ट्रिक्ट का ये बीजेपी को लीडर लोग प्रो मफलर सफलर पहन के दौड़ के आ गया, क्या हो रहा है क्या हो रहा है पूछा, तो हम लोग ऐसे ऐसे करप्शन है बोला है, तो अच्छा से हमारा चरता रोग दिमाग ओ ये तो ये लोग का अपना मुद्दा है, छोड़ो छोड़ो
ऐसा करके बहुत कुछ हुआ है। इस सात आठ खेत का जो सिटीजन जेन्युइन सिटीजन है उन लोगों का फीलिंग्स एक कमेंट लिखने से भी हाँ है। और कुछ लोग बेकार में पेक आईडी बना के या कुछ लोग अपना ओरिजिनल आईडी से भी लिखता है वो, जिसको हम तो उस दिन भी मेरा प्रेस लेटेस्ट लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में दिल्ली में बोला है, आउट ऑफ मेरा 15 लैक्स में से 2 लाख तो हम करप्टेड लोगों के लिए चोर देता है ना, 2 लाख चोर देता है। हम लोग जेन्युइन लोग 13 लाख लोग है ना जो हम लोग सफर कर रहे हैं, तो वो 2 लाख में से जिस 2 लाख लोगों को हमने चोरा हुआ है वहां से कुछ लोग आता है कमेंट्स करता है ये वो अगरा बगरा लिखता है, तो कोशीतल को देख देख के बोरिंग हो गया, सुन सुन के बोरिंग हो गया, ये ऐसी कुछ काम नहीं होगा वो, तो हम भी उसको ऐसे हंस के प्यार से देख देता है क्या कर देगा ना, वो भी तो किसी का नमक का आया है तो नमक का तो कीमत को अदा कर रहा है इसलिए लिख रहा है बोल के हम समझता है। आज अरुणाचल क्यों वापस आना पड़ा, क्योंकि इतना महीना वहां बैठ के हला कर लिया, रामलीला मैदान से हला कर लिया, वहां से भी मेमोरेंडम देखे देखा, लेकिन हमारा भारत के सरकार के काम में जू तक नहीं रेंगता है, उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग वहां जंतर मंतर में बैठ के चिल्ला रहा है हम लोग को छोड़ के मोदी जी यहाँ आता है होलोंगी एयरपोर्ट इनॉग्रेशन करके चला जाता है, उसका बाद हम लोग वहाँ चिल्ला रहा है वहाँ बीजेपी का महिला मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ आके यहाँ आराम से महिला मोर्चा क्या क्या अनाउंस करके एसी रूम में बैठ के दे आर पॉलिटिकल मोटिवेटेड ग्रुप पेमा खांडू इज ए वेरी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर बोल के इंग्लिश में भाषणबाजी मार के चला जाता है। हम लोग वहाँ सर रहा है राष्ट्रपति जी यहाँ आता है स्टेट हुड दे मना के चला जाता है, तो मने जो पैसा वाला है जो कुर्सी में बैठा है और जो करप्शन करके वो लोग को अपना अपना हिस्सा को पहुंचाता है वो लोग सिर्फ उसको दिखाई मिलता है, और जो हम लोग जैसा आदमी अरे यहाँ से पैदल चल के लखीमपुर तक भी कोई जाके देखिए ना, वो भी माने एकदम युमा मायन जैसा बुरा सपना जैसा लगेगा, हम तो कभी सोचा ही नहीं था अरे हम दिल्ली पहुंचेगा बोल के ना, जाते जाते बीच रास्ता में तो जब हम बिहार इतना लंबा है बिहार जो ना आया कब खत्म होगा सोचता है, खत्म ही नहीं होता है बिहार का रास्ता, और वहाँ का लोकल आदमी लोग गाइड करता है बोला है वो रास्ता जाने से किशनगंज जाने से आपको लॉन्ग पड़ेगा यहाँ से पूर्णिया जाओ अररिया जाओ बोल के गाइड कर करके हम सोचते हैं ओह यहाँ में कितना किलोमीटर शॉर्ट होगा बोले तो यहाँ में 300 किलोमीटर सेव होगा बोले तुम तो ऐसे होने से और अच्छा है सोच के आया लालची में जाते रह रहे लेकिन रास्ता ही खत्म नहीं होता है। हम तो ऑलमोस्ट सोच चुका था सरेंडर आई जस्ट गिव अप माई सेल्फ नहीं अभी बचा लूंगा बोले भाई लोग मेरा देख बोधी को तुम लोग कैसे भूखेगा ना हम मालूम नहीं है दे वो परी कुमार अच्छा हम लोग औरत आदमी है महीना में हम लोग ना मंथली प्रॉब्लम तो होता ही है बाकी सब को छोड़ दीजिए ना ये पाव या में चमड़ा चिलना पतोर लगना कू निकल मंथली प्रॉब्लम रिकुनी नेपकिन सब मलक टुकड़ा रबे कुना मनाई है ईश्वरा हम जिंदगी में नहीं सोचा है हम दिल्ली पहुंचेगा बोल के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होके हम गुजर के आया है। उसका बाद में हम लोग को देखने का बाद में कुछ लोग निकल के आया है समर्थन किया है कुछ लोग दिल्ली तक पहुंचा है, मैं उन सब को बारी बारीकी से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो भी सोशल एक्टिविस्ट वहां आया है या एज ए इंडिविजुअल इन पर्सन भी आया है। अच्छा लगा आप लोगों ने हमारा दर्द को तकलीफ को समझा महसूस किया, अपना से फ्लाइट से टिकट काट के ट्रेन से टिकट काट के आके आप लोगों ने हमको वहाँ समर्थन दिया हौसला बुलंद किया, तो आज मैं उन सब को पहले थैंक यू बोलूंगी। आप सब के वजह से हमारा ये मुहिम बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ है रंग लाया है, इसीलिए जितना मुझे याद है मैं जितना जानती हूँ यहाँ मैं इन पर्सन में कॉल करूंगी और जो मुझे याद नहीं है वो मुझे माफ कीजिएगा गलती से अगर एक दो नाम छूट जाता है तो जब भी मुझे याद आएगी क्योंकि अभी तो मेरा तो कोशीतल का मुख तो अभी बंद होने वाला नहीं क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, अभी से लेकर के इतना लोगों को मैं परेशान करने वाली हूँ लोगों का कान दर्द होके कान मशीन पहनना पड़ेगा, लोग सोचता है शीतल हार गया है और ना चल काली हाथ वापस आया है हमको मेरा एक तो ये जीजा जी यंगलर भी हो लिखा है ना काली हाथ वापस मत आओ लिखा है ना, तो हम जवाब नहीं दिया ऐसे चुपचाप देखा है होगा बाद में सही समय में जवाब देगा वो, तो एएसी का मेंबर लिस्ट इस प्रकार है थोड़ा सा पेशेंट था आप लोग थोड़ा सा प्लीज डोंट माइंड, एएसी का मेंबर लिस्ट इस प्रकार है तोको शीतल चेयरपर्सन दैट इज माई सेल्फ थैंक यू तोको शीतल तमे तुबिन प्रेसिडेंट
थैंक यू भाई तुबिन कप्पे लोम्बी जनरल सेक्रेटरी, थैंक यू जनरल सेक्रेटरी साहब भाई लोम्बी, बीरेंद्र तालंग कन्वेनर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जावोंग ओमले फाइनेंस सेक्रेटरी नामकम थैंक यू, नंगराम ताजिक वाइस प्रेसिडेंट थैंक यू, लीचा तबिया नम पाया लिंचो नोंगा लोअर सुबनसिरी मुइन डिस्ट्रिक्ट अकिने, सरतम तमो नम थैंक यू नो करा दादी ताली गजी, सोनम पापा नमकम थैंक यू नो इज कमिंग सपा गजला, माई डोके लेंदो नम इगो थैंक यू नो वे सियांग, तुमर ओरी सार थैंक यू, गबा सोरा सार थैंक यू, गुमिया कमसी बाई थैंक यू, गमतो गमे थैंक यू, अपर सुबनसिरी नाको गादी थैंक यू, लेपा राधा तिंगलेम तिंगदिया अंजो डिस्ट्रिक्ट से आया तिंगदिया भाई थैंक यू हो गए, करसंग तन्यंग थैंक यू ताली कंट्री गे ओके सी, दाना ताजू थैंक यू नोकम ताली कंट्री गे, युकर तकर नोकम ताली कंट्री गे कसी हुए ओ दंगे बुद्ध पाया लिंचो इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट चेंग ताजो ब्लॉक, जापान लोंग थैंक यू, ये जापान लोंग का क्या था तिरप डिस्ट्रिक्ट हाँ, तमुक तपा ताली कंट्री ताली ऐसी मेजोरिटी दोज पक्के, केनली लोलेन सियांग बेल बुपक दुई अपार सुबन सिरी यान्योंग पुलोम सी ओमी डिस्ट्रिक्ट, मैडम ग्राम चेयरपर्सन मैडम आप आई बहुत महीना हमारे साथ दिल्ली में रही बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एडवोकेट रेकेन इंगो वन एंड ओनली लीगल एडवाइजर जिसने हमेशा हमारे साथ में ताकत के साथ में हमको सही दिशा दिखाता रहा गाइड करता रहा आपको भी थैंक यू, और द सोशल एक्टिविस्ट जिन लोगों ने दिल्ली पहुंच करके हमारा ताकत को बढ़ाया हमें प्रोत्साहन दिया उसमें, यंगदा लुगु चेयरमैन मोदी रिजो अची थैंक यू, अर्थ जी नमे पे पाया लिंचो और गंगा के लिसी बख नो कम लोअर सुबन शुक्रिया, और मेरा चौथा भाई सोल दो दुम को मुख से सिर्फ थैंक यू बोलने से हम सेटिस्फाई नहीं है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेगा मेरा भाई सोल दो दुम अभी आपका तबीयत खराब है हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, आप जहाँ कहीं भी हो आपको मेरा भी उम्र दे दे मेरा यीशु मसीह हजार साल जियो बोल के हम आशीर्वाद देता है, उसके साथ में हमारा ब्रदर तमी पांगू जी, ब्रदर ताओ पोल, ब्रदर तादर जानू, ब्रदर रेगिन लिदा एंड टीम, ये मोदी मिशन का है मोदी मिशन का टीम रेगिन ब्रदर रेगिन लिदा एंड टीम, क्योंकि रेगिन लिदा जी के साथ उनके पूरे टीम आए थे, आप सबको मेरा तरफ से धन्यवाद, असी जोबंग मोदी पासीघाट बेल से आपको भी थैंक यू, ओके अमीन दांगेन अपर सीएम इंक्योंग से आए थे आपको भी थैंक यू, तादर पोपी प्रेसिडेंट अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमिटी मेरा छोटा भाई आपको थैंक यू, मालो राम दुई ना बोरे नम कम पाया लिंचो, ब्रो तपुंग बगंग नमे पे पाया लिंचो, भाई तंगा गादी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, जो लोग दिल्ली तक पहुंचे थे मेरा पास उन सब का मैं नाम ले रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसका बाद मेरा चौथा कई उल्टा पुल्टा बोई ना अमीन हो गए मोचे माँ, बहन बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ताकतवर और बहुत ही हिम्मत वाली बहन सपना तायम ताकू जी चीफ एडिटर अरुणाचल न्यूज 24x7 की, उन्होंने बहुत मेरी, उसके बाद मैं अवध टीवी आकाश शुक्ला आपका तो क्या कहना मेरे पास अल्फाज नहीं है बस तुम जियो हजारों साल, साथ में अरुण भूमि बाई तकम सोनिया नौकम दिल्ली यो कुछ जा बोलो अब तो टिकट काटी लाए जाज काटी लाए इलिंग लाए आनी शीतल गए मूवमेंट नम नो कवरेज मजी को गुबे ना बुरु तकम सोनिया नम पगया लिंग चोए ओके, राजीव गुची अरुणाचल समाचार मेरा चौथा भाई राजीव जी आप पर्स में यहाँ से अरुणाचल से लेके असम तक भी टीम को आपने फॉलो अप किया था, फिर लेटेस्ट आप दिल्ली तक आए मेरे पास पहुंचे मेरे लीडरशिप में आए उसके लिए भाई राजीव आपको शुक्रिया, युवराज मेहता आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, निकास चकमा दायुन टाइम्स आप लोगों को भी शुक्रिया, नाबम खोदा ए के न्यूज नम कम थैंक यू नो इलिन जिगम गबे हो गए, एपीएन लाइव 24 आप भी आए आपको भी थैंक यू, पपुम पमा न्यूज नो कम हागम गब नम कम थैंक यू, दिल्ली बोलो इलिन लैला मुलग आलोक गम दुख कस्तोरी दू नम अरुणाचल नियम तोर्किन जिगम गब ए हो लगा बानू ततक जी
एक सोशल आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप आए थे हमारे मुहिम में जुड़े हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत बहन बानू तातक, सिस्टर बानू तातक, आपको भी थैंक यू। उसका बाद में दिल्ली तक नहीं पहुंच करके भी, अरुणाचल में रह के भी, अरुणाचल के लोगों को एक सेकंड के लिए भी भूलने नहीं दिया, अपने अपने तरीके से अरुणाचल के लोगों को कभी रिएक्शन वीडियो बना के या कभी कुछ ब्लॉगिंग करके हमेशा लोगों को जगाए रखने वालों में से मेरा एक छोटा भाई इफ्फत अचुंग, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, ओके, थैंक यू सो मच। उसके साथ मेरा छोटा भाई बिकी जॉनसन, नो भी जहाँ कहीं भी हो बिकी जॉनसन, आपको भी धन्यवाद। और मेरा एकदम पावरफुल भाई तयो तमर, नो उगलो दोपहर। उसका बाद में बड़ा भाई तवांग वांगजेन जी, तवांग वांगजेन जी शायद यहाँ आए थे लेकिन उनका खबर मुझे मिला था कि उनकी बड़ी बहन की कल एक्सपायर हो गई है, तो वो लास्ट राइड के लिए वापस गए हैं। और साथ में हमारा वन एंड ओनली रब्बानी राजा टॉक्सॉक ट्राइब, आपने हर प्रकार से हमारा चीजों को अपने तरफ से टेलीकास्ट करने की कोशिश की, उसके लिए थैंक यू। मेरा छोटा बेटा हाचे बगंग अरुणाचल एक्सपोज, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। उसके साथ में हमारा पगला रिपोर्टर मेरा जो भी बोलो संजीव सिंह नावम तागम जी का भाई, उल्टा सीधा आता माजी सतकली रिपोर्टिंग करते रहता है, कभी पेमा खांडू दा ग्रेट बोलता है तो शाम को बोलता है, सुबह को तो कोशीतल दा ग्रेट बोलता है, जो भी हो आपने रिपोर्टिंग किया, थैंक यू सो मच। उसके बाद में एंटी करप्शन न्यूज मोंटू रजाक, थैंक यू। द टास्क न्यूज तास्किन भाई अभी साथ में आए हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में गाजियाबाद जब हम पहुंचे थे, ब्रदर लोध कागो, आप दिल्ली में रहते हो, आप आए थे, आपने बहुत समर्थन दिया, उसके लिए भी आपको थैंक यू। उसके बाद में वुमेन ग्रुप से, महिला ग्रुप से जो पहली बार दिल्ली पहुंचे थे मेरे पास में, आजी तकम सीनिया नम नोईगो हांग पाया लिंग चौपादो नो जाई चो चोची इबू वलाए बर्मेनी काताब है वो लगे आजी सीनिया ना इगे नम है आजी तुलुम आजिक नी इगे पा ना आजी आजिक उगलो आजिक नम कम पाया लिंग चो हो लगा बे यमी दीदी नुल सारी जोन को इचो भूंगे हो गए सी बर्मे यहंग तची यहंग नम कम पाया लिंग चो मो पादन हो गए ना गए न्यंगे तारिंग आन्या Anya kajo so angker din ni ini ko bai. Oh, nga anye taring anya no ra iji bue. Ok, legendary anti nga ate. No Arunachal ge legendary anti ngus. Hey, nga aga dino nga ate lai. Nam kam paya lincho. Ok, madam, telu yamang ji. Nam kam ngo ego patr kama ngam paaj dene. No icho jin bo ngala. Ok, laga ba nga aga madam. Kipa champa madam. Nam kam paya lincho paden no ra dili nanggong ulang kata ilin jipa. Hog lagab madam nimi taba ngunulam yam kam kacin jimanon ate ate mulam bolo kapel video kamera o kapel mulam bolo support matagij ko gab nulam ngo ei jago ang so ga patr kamang pad na lai o lagab ngo ga nye hu kyo da ya ji nam kam patr kamang pad na dili hilin jigam ga hog mayo dolo madam nam kam hog jiman kel mane last to nule nari शक्ति पोम मलाई कुल नारी ग्रुप को 100 लाले वो देने ही पाक मुआ ममिन चेंग कुमा होगा गाम बिया पयो मलंग मलंग हम गाम किनो बिंगसुम लोसुम गदन पूरा एंटायर अरुणाचल के नारी टीम हम पाया लिंचोई नुले इला इला गुलाम बोलो सपोर्ट मगाम गबे नुले मार भी खाई से पुलिस हम भी मारी से नुले बोलो योलुंगम महाभारत हम नुल दुपे कुल चापाक ये होगा भग कम दुया जिन बोकम लगे तो मुआ हमेशा लीगल लीगली लीगली लीगल पॉइंट तो गोदू ही कम गवर्नमेंट ने सोल पाई थे मोरे नो लोग कम यतंग यबंग हंग हा ला बोला तंग पोंग मया बोला गे तो ओ मज को गाब नो लम गो पाया लिंचो ओ गे लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय स्वीट सिस्टर वन एंड ओनली सिस्टर लीजुम मार दे बहन लीजुम मार दे ओ हमको बहुत गाली भी देता है लेकिन हम जवाब नहीं देता है क्योंकि ओ मैंने उसका डाइजेशन कैपेसिटी कमती है डिटर्मिनेशन होता है ना दिल से डिटर्माइन होता है स्ट्रॉन्ग होता है उसको कोई आंधी तूफान आके हिला नहीं सकता है अपना सोच और अपना विश्वास अटल रहना चाहिए बीच में डगमगाना नहीं चाहिए कभी पानी इधर से बहने से अरे ये पानी इस तरफ जा रहा है हम इस तरफ जाएगा क्या बोलेगा कभी हवा इस तरफ मारने से अरे ये हवा हम क्या ठीक है ना ओके ngage ajinge ngage akka yom yakka no kulaka gangda so malangam hilai kubuai pakaya lingcho nam
nga akani. Okay nga ani ajak ada mora u gampe tula tana tolo chala ela pugring pugring la George Buela iya. Nga ani ajak ke hero number 1 namo pagyaling so pagda na la iya. Ugo be malang eh sulu aluso nulam ngo huke nga aming kiskipang manam do palo ngam karu mang mabaka ngam biapai mabka ngo kam ni aking changi nga dumpo peking si computer overload do ko iya CPU nga kampatita do ko aja do pa o laga be mane bostu nga bing bing pu manam do palo kam ngam kharap pa iyo sol ngo nulam so so sahi salama jinda halai ko nulam ngo kapa ko namam वो इसको ही अपना आपको बहुत बड़ा जीत है समझ रहा है तो अरे हम यहाँ सही सलामत जिंदा मेरा अपना गांव में अपना मिट्टी में करा उन्हें मिल रहे ये मेरा सबसे बड़ा जीत है। कहाँ हुआ आदमी लोग हमको मार के फेंकने का प्लान बना दिया कैसे कैसे किया गया इतना गंदा से गंदा हरकत किया गया उसमें हम मर जाना था गायब हो जाना था मेरा देह बॉडी भी टुकड़ा भी नहीं मिलना था लेकिन यहाँ तक हम अभी आज जिंदा वापस पहुंचा है आप सबका सामने में बीच में हम खड़ा होने का मौका मिला है दिस इज माय बिगेस्ट विक्ट्री व्हाट आई फील ना सरेंडर होके आया है नहीं हम लोग हारा जरूर है भारत की सरकार ने हमको नहीं सुना है इसलिए हम हारा है भारत की सरकार ने अनसुना किया है हमको अनदेखा किया है इसलिए हम हारा है और इसी हार का रिपोर्ट को लेके आप लोगों का सामने में हम पहुंचना था और इसी हार का रिपोर्ट को रिपोर्ट कार्ड को आप लोगों को हम ये लीजिए बोल के मेरा अरुणाचल का मेरा आम जनता मेरा माता पिता दीदी बहन भाई भैया लोग ये लीजिए ये मेरा फेलर अभी और समय नहीं है खुद को बर्बाद करने का समय को बर्बाद करने का क्योंकि प्रशासन हमको नहीं सुनता है प्रशासन पूरा मिली भगत है पूरा एक दूसरे के साथ में वो लोग मिला हुआ है कोई किसी का नहीं सुनेगा कितना दुर्भाग्य की बात है अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ का सिटिंग एमएलए खुद आरटीआई मार के घूमता है पोटेन दोईमुख का एमएलए खुद आरटीआई मार के घूमता है कितना दुर्भाग्य का बात है यहाँ का स्टेट का चीफ मिनिस्टर खुद स्टेटमेंट देता है असेंबली में बैठ के कि अरुणाचल करप्शन में डूबा हुआ है और क्या सबूत चाहिए करप्शन का तो ये करप्शन को अगर ये सिस्टम नहीं मिटा पा रहा है तो हम लोग अरुणाचल का जनता लोग अरुणाचल का पब्लिक लोग क्यों इसको नहीं सुधारा जा सकता है एनीथिंग इज पॉसिबल कुछ भी मुमकिन है इस दुनिया में अगर हम दिल से चाहें तो दिल से हमको चाहना पड़ेगा अपने सिस्टम को हम लोग खुद सुधार सकता है अपना लिए जीने लायक एक अच्छा समाज का हम लोग निर्माण कर सकता है इसके लिए हम लोगों को चाहिए हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा और हम लोगों का डिटर्मिनेशन विल पावर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आंधी तूफान आने से हवा आने से गिरना नहीं ये पानी पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये पॉलिटिकल मोटिव लेकिन मेरा पास में हम मेरा भगवान जीसस क्राइस्ट गवाह अभी तक मेरा पास में कोई पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं है हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं चलाता हम जरूर लाइफ में शुरुआत में एक बार जेपीएम कॉन्टेस्ट किया हारा है एक बार ये कभी भी गलत फहमी में मत रहिए कि हम पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ में आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं आप लोगों का टाइम को खा रहे हैं ऐसा मत सोचिए लेकिन हम चाहता है हमारा स्टेट का जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड यूथ जो है जो अनएम्प्लॉय होके बैठा हुआ है आप लोग इतना मास्टर डिग्री करके बैठा हुआ है पढ़ा लिखा है क्यों हम लोग हमेशा पैसा का सामने झुकना है क्यों पैसा का ताकत में हम लोग झुकना है अच्छा पढ़ा लिखा साफ सुथरा वाला सोच समझदार वाला लड़का को हम लोग उठा के क्यों एमएलए नहीं बना सकता है क्यों एमपी नहीं बना सकता है हम लोग अगर पब्लिक साथ देगा तो क्या पॉसिबल नहीं है ये दुनिया में पब्लिक साथ देना पड़ेगा ना अच्छा कैंडिडेट हम लोग बना के अच्छा सरकार गठन करेगा अच्छा सरकार गठन करेगा हम हमेशा ऐसा यहाँ पकने जैसा हो कि हम एक्टिविस्ट बन के घूम देगा हमको कोई एमएलए कॉन्टेस्ट नहीं करना है हमको कोई एमपी कॉन्टेस्ट नहीं करना है आदमी सोचता है थोड़ा सा पॉपुलर हो जाने से आगे निकलने से ये एमपी आएगा ये एमएलए आएगा कुछ पॉलिटिक्स आने दिल हो के पॉपुलरिटी पब्लिसिटी स्टैंड पे सोचता है ना आप लोग देखते रहिए हम हमेशा मेरा स्टैंड में रहिएगा अच्छा वाला कैंडिडेट कोई भी आएगा चाहे वो एक्स वाई जेड पार्टी से आप लोग आइए ना चाहे इंडिपेंडेंट से आइए कहीं से भी आइए हम हमेशा और उसके लिए 24 घंटा 24x7 दिन रात हम मेहनत करेगा हम अपना तरफ से जो बन पके कर सकेगा हम प्लीज डू कॉन्टेक्ट ब्रदर टमे टू बिन एन हिज टीम चाहे वो जाबो सार हो या ये हमारा कृपे सार हो बीरेन सार किसी को भी आप लोग कॉन्टेक्ट करके एएसी का आप लोग जल्दी से जल्दी हो सके एएसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल गठन कीजिए
और भाई लोग से आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है, दीदी हूँ देने हूँ पा बुरी है, ज्यादा चलने नहीं सकता है, ऐसे भी अभी थका हुआ है। आप लोग जवान लड़का लोग थोड़ा डिस्ट्रिक्ट एक राउंड मार के पूरा यूनिट खुलने का बाद में हमको ले जाइए। हाँ यूनिट खुल गया उसका बाद में माता पिता लोग को मिलना है, वो लोग को बात करना है, तो हमको ले जाइए, हम जरूर जाएगा। मेरा पास कुछ देने के लिए नहीं होने से भी हम अपना दिल का बात को सोच विचार को हम माता पिता लोग का साथ में शेयरिंग करने के लिए हम जरूर जाएगा। इसीलिए थैंक यू भाई इस आश्वासन के लिए। और मेरा जो अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमिटी भाई दादर पोपी, आप मेरा साया का जैसा, आप मेरा राइट हैंड भाई मालो राम दुइनो लेफ्ट हैंड, आप दोनों होना है। आप लोग सब मिलके हम लोग टीम अरुणाचल बनाना है अभी। नाउ वी नीड अ टीम अरुणाचल, रियली रियली सोशल बिल्डर चाहिए हमको, सोशल इंजीनियर चाहिए हमको, टेक्निकल इंजीनियर नहीं चाहिए, सोशल इंजीनियर चाहिए जो अरुणाचल को रीसेव कर सके, रीबिल्ड कर सके, करप्शन को इराडिकेट कर सके। हमको पक्का पक्की ऐसा वाला टीम चाहिए, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज वाला लोग होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज वाला लोग आएगा उसके लिए सॉरी आई हैव नो प्लेस, क्योंकि बहुत सारे लोग हवा का झोंका आते हैं जाते हैं, हर हवा के झोंके के पीछे मैं बात नहीं करूंगी, इसलिए समझदार के लिए इशारा काफी है। समझ सको तो समझो, ना समझो तो ना समझ में जिंदगी गुजार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए और साथ ही साथ इस मुहिम को, मेरा पूरा इस मुहिम में मुझे जिंदा रखने वाला, मुझे ऑक्सीजन देने वाला, मेरा शुरू से लेके दिल्ली तक पहुंचने तक का सफर में मुझे हमेशा मेरा सपोर्ट में, मेरा बैक में रहने वाला, लोग बोलता है ना तो को शीतल पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोलते, कौन सा पॉलिटिकल लीडर का साथ मेरा लिंक का फेजरा कोई ढूंढ के मुझे निकाल के दे, किसने मुझे एक रुपया फाइनेंस किया होगा। जरूर हम मर रहे रास्ता में पैदल चल रहे अच्छी तरह वो सीधे कुन लाई बुर में वो सिहा को बायो नो अब ये सिरपे आगे अल बेलाई बेलाई खबलाई खबलेगा अभी हम तो को तरह को हम डिस्टर्ब किया है, तो को तरह ने मेरा अकाउंट में हमेशा खाने पीने का पैसा डालता रहा और हम जिंदा है। आज इस मुहिम को सक्सेस कराया सबसे बड़ा हाथ तो को तरह का है, उसके लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये मेरा अपना भैया है। हम दुनिया में किसी और को तो नहीं मांग सकता है, लेकिन अपना भैया को तो हम भीख भी मांग सकते हैं ना, शरम धरम छोड़ के। उसका साथ में भैया का साथ में मेरा और एक छोटा भाई है, वो टाइटल से अलग है, ब्याबंग है, क्योंकि मेरा मम्मी जो मेरा पापा का एक्सपायर का बाद मेरा मम्मी जो सेकंड जो शादी हुआ है, मेरा फोस्टर फादर जो ब्याबंग है, उस मेरा फोस्टर फादर का भैया का बेटा है ब्याबंग जोरम, मेरा भाई है वो भी। भाई जोरम भी हमको हर मोड़ में हमको सपोर्ट किया है, हर मोड़ में सपोर्ट किया है। मेरा राइट साइड में अच्छी तरह, लेफ्ट साइड में भाई जोरम, दोनों का बीच में हम जुलस जुलस के चल के भी जी के यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए मेरा ऊपर वाला से सारा अरुणाचल का पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, मेरा भैया और भाई के लिए आप लोग प्लीज जोरदार प्रार्थना कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। और आगे का रणनीति ऐसा रहेगा, आप लोग भी बहुत थक चुका होगा, भूख भी लग रहा है, हमको खुद इतना भूख लग रहा है, अच्छी आप हम लोग को कुछ खाने का अरेंजमेंट भी नहीं कर दिया है, हमको खुद भी बहुत भूख लग रहा है और सब दीदी लोग भी भूख लग रहा होगा, सुबह 4 बजे से निकला हुआ है, थोड़ा पानी उन्हें भी पिलाना है, अरुणाचल जस्टिस फोरम क्या हुआ है, थोड़ा पानी उन्हें भी पिलाना है। तो आगे का रणनीति ऐसा है, माँ लोग अने तुम लोग नुले कहाँ कहाँ में गांव में डिस्ट्रिक्ट में या कैपिटल में होने से भी कहाँ कहाँ में आप लोग करप्शन का अगेंस्ट में जो इंटरेस्टेड वाला लोग, आप लोग अपना अपना टीम गठन कीजिए, टीम गठन कीजिए। अभी हम लोग का पास समय बहुत कम है, अभी हम लोग को हर जगह में हम लोग को गोस्पेल अंगना मरना है, गोस्पेल अंगना मर मोला मंगला एकुला अंगुल अवेयरनेस जिक्र दो कृपा को। एक दिन भी यहाँ आके हम सोएगा तो हमको बहुत हराम लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मेरा इतना साल भर का आधा साल का मेहनत जो पानी में गया जैसे लगेगा, इसलिए हम एक दिन भी रेस्ट करना नहीं मांगता है, हम लोग कमर तोड़ के काम करना है अभी, चाहे कुछ भी हो काम क्या करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का मारधर नहीं करना है, सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है और हम लोग अपना आप में एक दूसरे को हम लोग पोस्टमार्टम करना है। डिफेक्टिव कहाँ में हम लोग का बीच में, कहाँ से डिफेक्टिव शुरू हो के हम लोग का सिस्टम आज यहाँ तक इतना बिगड़ा हुआ है, हर एक चीज माने अंडर कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ लॉलेसनेस होके बैठा हुआ है, तो इसमें हम लोग को काम करना है। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट हर जिला से हम तो चाहता है कि सब टीमें एसी का साथ जुड़ जाइए, मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का बोला जैसा आप लोग खुद एएसी बन जाइए, आप लोग खुद एएसी बनिए, हम सिर्फ आप लोग का साथ में एक दीदी एक बहन, आप लोग का हम एक तू माने टॉर्च लाइट का जैसा होके आप लोग का साथ में हम रहेगा, बाकी लड़ाई आप लोगों को खुद लड़ना है, फाइटिंग आप लोगों को खुद करना है और जीत के दिखाना है। नरेंद्र मोदी का इग्नोरेंस को आप लोग को प्रूव करके दिखाना है, नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी आपने अरुणाचल के जनता को 15 लाख जनता को आपने इग्नोर किया है, तो जनता 15 लाख जनता प्यार से आपको ये जवाब दे रहा है, बोल के आप लोग 2024 में जवाब देना है, उसके लिए अभी से आप लोग तैयार हो जाइए, यही मेरा बोलते बोलते आखिरी शब्द यही है। और साथ ही साथ में जितना भी हम लोग
यहाँ जितना आया, कोई ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं था, कोई पॉलिटिकल रैली नहीं था, आप लोगों ने प्यार से हमें स्वागत किया, वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू माई ऑल स्टीम सिस्टर ग्रुप्स। आई रियली फील वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे आज, मैं बीच में थोड़ा जूद नहीं बोलूंगी, बीच में थोड़ा देर के लिए मैं अपना आपको बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, बहुत अनाथ सोच रही थी, पापा भी चौथा में गुजर गया ना।